हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम भवेश नंदी और आप देख रहे हो टेक ब्लॉक यूट्यूब चैनल। आज से कुछ ही दिन पहले मैंने इसी एप्पल आईपैड की चार्जिंग टेस्ट के ऊपर वीडियो अपलोड किया था। और उस वीडियो पे मैंने बताया था कि इसी एप्पल आईपैड 9th जनरेशन के ऊपर और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि भाई इसी एप्पल आईपैड की ना कैमरा टेस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। आप लोग बोलो और मैं ना बनाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस वीडियो को और आगे लेके जाऊं, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बोल देता हूं। इसी एप्पल आईपैड 9th जनरेशन की जो रियर कैमरा है उसमें आपको एक 8 मेगापिक्सल की कैमरा देखने मिलता है, और जो फ्रंट कैमरा है शायद आपको कैमरा वीडियो में नहीं दिख पा रहा है क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूं। जो फ्रंट कैमरा है इसमें आपको 12 मेगापिक्सल की एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने मिलता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ चीजें और बोल देता हूं। इसी एप्पल आईपैड की जो बैक कैमरा है इससे आप फुल एचडी 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो फ्रंट कैमरा है इससे आप अल्ट्रा वाइड एंगल या फिर नॉर्मल डिफॉल्ट में भी फुल एचडी 30fps, फुल एचडी 60fps हाई सेटिंग्स तक आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं अपने आईपैड को लेके घर से बाहर आ चुका हूं ताकि आपको एकदम पूरा टेस्ट करके कैमरा रिजल्ट दिखा पाऊं। तो सबसे पहले कौन कौन सा मोड देखने को मिलता है कैमरा में वो आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया है ताकि एकदम प्रॉपरली आपको दिखा पाऊं। तो सबसे पहले मैं कैमरा पे जाता हूं। जैसे मैंने कैमरा पे यहाँ पे आ गया तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बैक कैमरा में टाइम लैप्स का ऑप्शन देखने मिलता है, फ्रंट कैमरा में भी आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद स्लो मोशन में सिर्फ बैक कैमरा ही वर्क करेगा, फ्रंट कैमरा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। वीडियो में फ्रंट कैमरा भी वर्क करेगा और बैक कैमरा दोनों वर्क करेगा, और फ्रंट कैमरा में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फोटोज़ में भी सेम डिफॉल्ट में फ्रंट कैमरा ही ओपन होता है, और इसमें आपको अल्ट्रा वाइड भी देखने मिलता है और बैक कैमरा भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने मिलता है। ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा ही ना। और स्क्वायर फोटो में आपको फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों में ही आपको काम करता है फ्रंट कैमरा में। और एक अच्छी चीज़ है कि स्क्वायर में भी आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद पैनोरामा मोड में सिर्फ बैक कैमरा ही वर्क करता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट कैमरा की टेस्टिंग से। सबसे पहले ये पे मैं फ्रंट कैमरा को यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, और एक फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक फ़ोटो मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। तो आप फोटो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक ठाक क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ फ़ोटो क्लिक हो रहा है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कैसा क्वालिटी वगैरह यहाँ पे आ रहा है, ठीक ठाक ये बैलेंस टाइप है। अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा की एक अल्ट्रा वाइड एंगल मोड से एक फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल मोड से एक फ़ोटो क्लिक कर लिया है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में बहुत ही ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है, डिटेलिंग वगैरह ठीक ठाक है। अल्ट्रा वाइड एंगल में कलर वगैरह शिफ्ट ज़्यादा नहीं होता है। तो ये नॉर्मल मोड का है और ये अल्ट्रा वाइड एंगल का है। दोबारा से दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल मोड वाला जो फोटो है डिफॉल्ट मोड वाला फोटो है, और ये है अल्ट्रा वाइड एंगल मोड वाला फोटो, ठीक है। और अभी एक बैक कैमरा से फोटो क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो बैक कैमरा में आपको जूम करने के लिए कितना जूम देखते मिलता है वो भी दिखा देता हूँ। बैक कैमरा में अप टू 5x तक आप यहाँ पे जूम कर सकते हो, और नॉर्मली यहाँ पे 1x ही देखते मिलता है। तो एक फोटो क्लिक कर लिया बैक कैमरा से, और बैक कैमरा का क्वालिटी वाला देख सकते हो, फोटोज़ में ठीक ठाक ही आता है, बट कॉन्ट्रास्टी लुक बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर कॉन्ट्रास्टी लुक यहाँ पे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी बारी आती है वीडियो की, तो एक वीडियो सैंपल भी मैं आपको लेके यहाँ पे दिखा देता हूँ। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये वीडियो एप्पल आईपैड 9th जनरेशन की फ्रंट कैमरा की वाइड एंगल मोड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप स्काई वगैरह का डायनेमिक रेंज भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। आईपैड की कैमरा क्वालिटी हिसाब से अगर इसको जज करूँ तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और ये वाइड एंगल मोड में इतना ज़्यादा वाइड हो सकता है, देख सकते हो इतना ज़्यादा वाइड हो सकता है। और आप लोगों को कैमरा सैंपल यहाँ पे कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताओ। और यहाँ पर जो आप क्वालिटी देख रहे हो ये एप्पल आईपैड 9th जनरेशन की बैक कैमरा से क्वालिटी है, और क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है, एवरेज है बोलूँगा, और थोड़ा एवरेज ही बोल सकता हूँ। इधर दिखाओ तो भाई, थोड़ा सा इधर देख सकते हो आप कैसा क्वालिटी देखने को मिल रहा है, और कुछ ऐसा ही क्वालिटी है। तो आपने फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों कैमरा की वीडियो और फोटो देख लिया, और अभी बारी आते हैं स्क्वायर वाला मोड की फोटो की, ठीक है। जो स्क्वायर मोड मैंने आपको दिखाया था ना, तो स्क्वायर मोड में यहाँ पे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों वर्क करता है। अच्छी चीज ये है कि फ्रंट कैमरा में आपको वाइड एंगल मोड भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक वाइड एंगल मोड में स्क्वायर कैमरा से एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ, तो मैंने एक फोटो क्लिक कर लिया है। तो फोटो क्वालिटी वाला देख सकते हो, स्क्वायर कैमरा में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक देखने को यहाँ पे मिलता है। और अभी मैं एक डिफॉल्ट मोड से एक फोटो क्लिक करके आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने डिफॉल्ट मोड में यहाँ पे आ गया,
तो एक डिफॉल्ट मोड से मैंने एक फोटो क्लिक कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, शार्पनेस ठीक ठाक ही है, बैलेंस टाइप ओके क्वालिटी है, आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाओगे वैसा ही है। मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम और फ्रंट इंस्टाग्राम और फेसबुक मैंने पोस्ट किया है और फ्रंट कैमरा की अल्ट्रा वाइड एंगल मोड से कुछ ऐसी फोटो क्लिक कर सकते हो जो कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह पे पोस्ट भी कर सकते हो। डिटेलिंग वगैरह ठीक ठाक बैलेंस ही यहाँ पे देखने को मिलता है। और भाई इस पूरे वीडियो में आपने शायद ही एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा कि इस एप्पल आईपैड में आपको पोर्ट्रेट मोड का कहीं पे भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, इसमें पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, बट एक पोर्ट्रेट मोड का एक हिडन सेटिंग है। मैं आपको बोल देता हूँ पहले ही कि आईफोन या फिर जो इस आईपैड के साथ जो स्टॉक कैमरा या फिर जो डिफॉल्ट एप्पल की तरफ से कैमरा एप्लीकेशन दिया गया है उसमें आपको कहीं पे भी यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, जो हिडन सेटिंग है, जैसे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ओपन करोगे वहां पर अगर आप कैमरा को ओपन करोगे तो ऊपर कंट्रोल सेंटर को जैसे स्वाइप करोगे तो वहां पे आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए मैं आप जस्ट प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन किया, ठीक है, तो जैसे मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी वाले सेक्शन पर जाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं स्टोरी वाले सेक्शन पर आ गया तो यहाँ पे हम लोग को पोर्ट्रेट मोड ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, जैसे एज इट इज होता है नॉर्मली दिखा रहा है। तो मैं सिंपल सी कंट्रोल पैनल के पे स्वाइप किया तो ऊपर यहाँ पे देख सकते हो इफेक्ट्स नाम की एक ऑप्शन है, तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा तो देखो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे ऑफ है, तो जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ अब देखना तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पे मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सैडली इंस्टाग्राम पर स्टोरी में या फिर रील्स में आईपैड का कैमरा वर्क नहीं करता। मुझे नहीं पता कि सिर्फ मेरे आईपैड में ऐसा होता है, मैंने काफ़ी सारे और जगह पे पूछा तो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई आईपैड ना इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के लिए नहीं है, तो इसीलिए इसमें वीडियो वगैरह इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते बट फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, बना सकता था पहले बट अभी तो ये वर्क नहीं करता, तो देख पा रहे हो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे शो कर रहा है, काफ़ी अच्छा है, जैसा नॉर्मल ब्रोके मोड देखते मिलता है वैसा ही है, बट ये ना सॉफ्टवेयर की मदद से करता है। सेम चीज आप फेसबुक पर भी कर सकते हो, मैंने और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन पर ट्राई किया, वर्क करता है। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे फेसबुक पर हूँ, मैं आपको दिया देता हूँ रिसेंट एप्लीकेशन में सिर्फ फेसबुक है, तो फेसबुक को मैं दोबारा ओपन किया तो देख सकते हो फेसबुक पर भी ये वर्क करता है। तो ये रहा हमारा पोर्ट्रेट मोड का वर्क। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर देख के रखा है इसी एप्पल आईपैड 9th जनरेशन पर, सेंटर स्टेज नाम की एक फीचर। बेसिकली इसका काम ये है, आप चाहे कितने भी दूर पे जाओ आपको सीधे सेंटर पे रखेगा। मेरे भाई इधर आओ तुम, तो मैं ना आपको एग्जांपल थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं ये चीज़ कैसे काम करता है। तो तुम थोड़ा सा ऐसे कर, इसको मोबाइल को पकड़ो, तो हाथ को थोड़ा इधर रखो, तो जैसे मैं इधर जाऊँगा थोड़ा सा नीचे रखो इधर ऐसे करके, हाँ ऐसा रखो, हिलाना मत, ठीक है। तो जैसे मैं इस साइड पर आता हूँ, देख रहे हो मेरे को ना यहाँ पे जूम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके क्रॉप करके इधर उधर कर रहा है, देख रहे हो मुझे। मैं अगर ऐसे बैठ जाऊंगा तो देख सकते हो ऐसे करके मुझे यहाँ पे ये कर रहा है, और जैसे मैं इसके पास जाऊंगा मुझे ना देखो भाई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मोबाइल का कैमरा ना काम कर रहा है। और ये सेम चीज़ आप फेसबुक पर वीडियो कॉल में, स्टोरी में, इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल स्टोरी में, सब जगह पर ये काम करता है। हो सकता है किसी चीज़ पर अपडेट के बाद काम ना भी करें, बट हाँ अभी तक तो काम कर रहा है। और हाँ, इसी एप्पल आईपैड की कैमरा से टाइम लैप्स की बात करें तो रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से ही आप टाइम लैप्स ले सकते हो। अभी जो आप स्क्रीन पे टाइम लैप्स देख पा रहे हो, ये टाइम लैप्स मैंने इसी एप्पल आईपैड की फ्रंट कैमरा से शूट किया है। मुझे नहीं लगता कि आईपैड से भी कोई टाइम लैप्स लेने वाला है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए इसी एप्पल आईपैड की फ्रंट कैमरा से मैंने आपको शूट करके दिखा दिया हूं। और अभी सीधे इंतजार है रात की, कि रात के टाइम में कैसा परफॉर्मेंस करता है इसी एप्पल आईपैड 9th जनरेशन का कैमरा। तो भाई अभी बाहर रात हो चुका है और मैं अपने यूट्यूब सेटअप रूम के अंदर हूँ और मेरे रूम में बहुत ही ज्यादा लो लाइट सिचुएशन है। मैं आपको ना थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में दिखा देता हूँ। मैं अपने जो यूट्यूब सेटअप रूम की सेटअप की जो सॉफ्ट बॉक्स है, जितना सारा लाइट था मैंने सब कुछ यहाँ पे ऑफ रखा है, थोड़ा सा प्रूफ के लिए और जरा दूर जाकर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो कोई और लाइट ही नहीं जल रहा है, इतना सा ये सेटअप है। और ये खिड़की है और खिड़की में से देख सकते हो बाहर पूरा ही ब्लैक है, क्योंकि बाहर पूरा ही अंधेरा है, सच में रात ही है भाई। बहुत सारे लोग भाई ट्रस्ट नहीं करते, तो देख सकते हो भाई वो रहा खिड़की, कोई और लाइट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एकदम बेटर प्रूफ के लिए टाइमिंग भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो 7:24
और मैं आपको ना इतने ज्यादा लो लाइट सिचुएशन में सबसे पहले एक फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ कैसा क्वालिटी वगैरह आपको देखने को मिलेगा अगर इस आईपैड को बाय करोगे तो। तो मैंने एक फोटो क्लिक कर लिया है और आपको लो अभी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो फोटो का क्वालिटी वगैरह, फोटो का क्वालिटी पिक्सल ऐसा लग चुका है कि फट गया है ऐसा लग रहा है, बट अगर थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो थोड़ा सा ठीक ठाक ही लग रहा है। तो कुछ ऐसा क्वालिटी देखने को मिलेगा, सिर्फ एक बल्ब जल रहा है, बल्ब नहीं एक एलईडी स्ट्रीक लाइट जल रहा है और ये स्ट्रीक लाइट सिर्फ एक 20 वाट का ही है। अगर इसको भी ऑफ कर दूंगा तो इतना डार्क सिचुएशन हो जाएगा, इतने डार्क सिचुएशन में भाई कौन फोटो क्लिक करता है, कौन ही वीडियो रिकॉर्ड करेगा आईपैड से, ठीक है ना। तो अभी एक अल्ट्रा वाइड एंगल मोड से एक फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक अल्ट्रा वाइड एंगल मोड से भी फोटो क्लिक कर लिया है, तो ये फोटो भी देख सकते हो ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा नॉइस कैप्चर कर रहा है अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो, ठीक है। तो ये रहा अल्ट्रा वाइड एंगल का फोटो और ये रहा नॉर्मल मोड डिफॉल्ट मोड का फोटो। हाँ, दोनों में ही आपको बहुत ज्यादा नॉइज देखने मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड एंगल में स्मूथ हो जा रहा है बट नॉर्मल मोड में स्मूथ नहीं हो रहा है, बट नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है। सेम सिचुएशन अगर मैं वीडियो की बात करूं तो वीडियो में भी देख सकते हो कुछ ऐसा है, और ये जो फ्लिकरिंग वाला देख रहे हो ना भाई, मैंने हर एक सिचुएशन में देखा है, चाहे ज्यादा लाइट हो चाहे कम लाइट हो, हर एक सिचुएशन में ये फ्लिकर करता ही है, पता नहीं ऐसा क्यों सिचुएशन है। तो कुछ ऐसा क्वालिटी देखने को मिलेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जैसा देखने को मिल रहा है वैसा ही क्वालिटी आपको रिकॉर्डिंग में भी देखने को मिलेगा, और अल्ट्रा वाइड एंगल में भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। काश इससे मैं ब्लॉगिंग कर पाता तो मैं ब्लॉगिंग चैनल पे एक्टिव हो जाता। यस, मेरा एक बेंगोली ब्लॉग चैनल भी है, तो कुछ ऐसा क्वालिटी वगैरह देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे मैं बैक कैमरा की बात करूं, सच में भाई आप पूछो ही मत, अनएक्सपेक्टेड इतना ज्यादा नॉइस कैप्चर करता है ना, मैं ये पे देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा नॉइज कैप्चर करता है। मैं थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो बहुत ज्यादा नॉइज कैप्चर करता है। बट हाँ, एक बात मैं बोलूंगा यहाँ पर, अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर वीडियो कॉल वगैरह के लिए बैक कैमरा रियर कैमरा को यूज करोगे तो उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। देखो भाई, इसी एप्पल आईपैड की मैंने रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों कैमरा की फोटो सैंपल, अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो सैंपल, वीडियो सैंपल, फ्रंट कैमरा की अल्ट्रा वाइड एंगल और डिफॉल्ट कैमरा सैंपल, सब कुछ के बारे में बात किया है। टाइम लैप्स, उसके बाद स्लो मोशन, पोर्ट्रेट मोड, सेंटर स्टेज जो ऑप्शन है उसके बारे में, नाइट में कैसा फोटो क्वालिटी आता है, अल्ट्रा वाइड एंगल नाइट में कैसा फोटो क्वालिटी है, और नाइट में कैसा फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा की वीडियो सैंपल है, सभी चीजों के बारे में मैंने बात किया है। बाय द वे, हाँ, अगर आप आईपैड की अभी तक चार्जिंग टेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो नंबर 1 पे जो वीडियो है वो वाला वीडियो चार्जिंग टेस्ट वीडियो है, और नंबर 2 पे जो वीडियो है ये वाला वीडियो मेरा लेटेस्ट वीडियो है। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो लोग भी देखे और नॉलेज मिले उन लोगों को भी।